हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा थंबनेल में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवन मुझे भी एग्जामिनेशन में पूछा गया था तो मैंने तो भाई लिख दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है इसको याद रख पाना। मैं आपको एक एक करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको स्टडी करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, इसको पूरा देखना। बट उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नए हो सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं करा है तो कर लो, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सारी वीडियोस मैं अभी बना रहा हूँ, ये सारी की सारी जो वीडियोस हैं, जो टॉपिक वाइज जो वीडियोस हैं, ये सब की सब जो है हमारे प्लेलिस्ट में ऐड हो रही है। जो हमारा इग्नू का प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, कॉमर्सी पाठशाला चैनल पे, वहां पे ये ऐड होता जा रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। कॉमर्सी पाठशाला चैनल पे आपको जाना है। चैनल के ऊपर जाने के बाद जो सबसे पहला जो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ये देखो इग्नू एम कॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, इग्नू एम कॉम IBO 1, IBO 2, IBO 3, 4, 5, 6, 7, MCO 1, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो एम कॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की सारी की सारी वीडियोज यहाँ पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। आप इन सबको वॉच करो, आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये सारी वीडियोज वहीं जमा हो रही है। अगर कोई बीकॉम का स्टूडेंट है तो बीकॉम का स्टूडेंट यहाँ पे आकर के अपने सब्जेक्ट्स को ढूंढ सकता है। ये बीकॉम ओल्ड का सिलेबस है हालांकि, साथ ही लेकिन न्यू के सिलेबस भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ और ठीक आपको इसी जगह पे शो करेगा, तो आप यहाँ पे आकर के देख सकते हो। साथ ही साथ CBSE 11, 12 की स्टडी हम करवाते हैं, वो भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, जहां देख करके आप अगर सारे वीडियोस को वॉच करना चाहते हो एक एक करके, अगर आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली वो वीडियोस बहुत ज्यादा आपकी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। देखो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करते हैं, ये हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट देखो सबसे पहले दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अ कंट्रीज करंट अकाउंट बैलेंस कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स इट्स इकोनॉमी, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर, तो देखो किसी भी कंट्री का जो करंट अकाउंट होता है ना, वो करंट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस कंट्री के लिए। और उस करंट अकाउंट एक तरीके से उसमें अगर किसी भी तरह की चेंजेस आएंगी तो उसका असर जो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे तीन चार फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, जो कि एक तरीके से डायरेक्टली हमारे करंट अकाउंट को इन्फ्लुएंस करती है, देयरफॉर जो हमारी इकोनॉमी है उसको भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस वो करती है। तो कैसे करती है मैं एक एक करके अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो इन्फ्लेशन है, दूसरा नेशनल इनकम, तीसरा गवर्नमेंट रिस्ट्रक्चर्स और चौथा है एक्सचेंज रेट्स। सो लेट्स स्टडी वन बाय वन। सबसे पहला है हमारा इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ने के पहले मैं इन्फ्लेशन का एक बेसिक आइडिया आपको देता हूँ कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। देखो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज के प्राइस में महीने दर महीने उसमें जो है बढ़ोतरी हो रही है। सपोज आज आपने काजू खरीदा 100 ग्राम 100 रुपए का, अगले महीने जब आप खरीदने गए सामान को तो आपको पता चला कि इसका जो दाम है वो 120 हो गया है, प्राइस बढ़ के 120 हो गया है ना। तो ये जो दाम जो दर बढ़ रहे हैं, ये दर जो बढ़ेंगे इसी को हम कहेंगे इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन के कारण ये चीजें हो रही हैं। हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति, है ना। हालांकि यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात नहीं की जाती, यहाँ पे पूरे के पूरे जीडीपी की बात की जा रही है कि जीडीपी में जो ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा तैयार होता है उसमें इन्फ्लेशन किस तरीके से हो रहा है ना। तो इन्फ्लेशन जो है एक तरीके से किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर डिटरमाइन नहीं किया जाता है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके ऊपर इन्फ्लेशन एक तरीके से काउंट होता है। बहुत उसके बारे में कभी आपको बाद में बताऊंगा। तो इन्फ्लेशन का बेसिक जनरल आइडिया ये है। अब बात कर लेते हैं कि बुक में इन्फ्लेशन के बारे में क्या बताया गया है। So if a country's inflation rates are rate increases relative to the countries with which it trades, its current account would be expected to decrease. क्या बात बोला गया यहाँ पे ये बात बोली कि किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ता है रिलेटिवली उस कंट्री के साथ जिस कंट्री के साथ आपका ट्रेड हो रहा है, तो क्या होगा, आपका जो करंट अकाउंट है वो डिक्रीज होगा। करंट अकाउंट का डिक्रीज होना अच्छा नहीं होता है। तो इसको डिक्रीज लाइक एक तरीके से अगर ये हो रहा है, इसका मतलब आपके ऊपर इन्फ्लेशन का असर पड़ रहा है ना। तो इन्फ्लेशन का जो है प्राइस रेट जो है वो इंक्रीज होगा जब जब किसी कंट्री के साथ जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो उसमें अगर किसी भी तरह का इंक्रीज होता है तो, ठीक है। ड्यू टू हायर प्राइसेस एट होम, चूंकि घर पे हमारे प्राइसेस ज्यादा हैं, कंज्यूमर्स एंड कॉर्पोरेशंस विद इन द कंट्री विल मोस्ट लाइकली परचेज मोर गुड्स ओवरसीज
ड्यू टू हाई लोकल इन्फ्लेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कोई सामान इंडिया में खरीद रहे हो जिसकी दाम 100 रुपए है, और अगर आप किसी और कंट्री का सामान खरीद रहे हो तो वहां पे दाम अगर उसका 80 रुपए है, तो डेफिनेटली आपको जहां बाहर से मिल रहा है, कहीं से भी मिले, आपको 80 रुपए करके मिल रहा है जहां से आप वहां से खरीदोगे ना। तो यहाँ पे वो दिक्कत होती है कि ड्यू टू हायर प्राइसेज एट होम, घर में जो है आपकी प्राइसेस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से जो कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेशन है वो कंट्री के बाहर देख रही है कि जो बाहर से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, ओवरसीज से जो गुड्स परचेज कर रहे हैं, वो ज्यादा सस्ता हमें पड़ रहा है ड्यू टू लोकल हाई इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन है ना। व्हाइल द कंट्रीज एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज विल डिक्लाइन, और इस केस में क्या होगा, जो हमारा एक्सपोर्ट है वो घटेगा, क्योंकि हम बाहर तो क्या बेच रहे हैं हमको पता नहीं, लेकिन हम अगर इंपोर्ट अपना बढ़वा लेंगे तो एक्सपोर्ट हमारा ऑटोमेटिकली कम ही रहेगा ना। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी करंट अकाउंट के ऊपर असर पड़ता है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ता है, तो इन्फ्लेशन इस तरीके से असर डालता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है नेशनल इनकम। तो हमारी नेशनल इनकम भी बहुत हद तक क्या अच्छा खासा जो है हमारे करेंट अकाउंट को डिसरप्ट करती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है। कैसे करती है, मैं एक करके आपको बताता हूँ। इफ अ कंट्रीज नेशनल इनकम राइजेज बाई अ हायर परसेंटेज देन दोस ऑफ द अदर कंट्रीज, है ना, इट्स करेंट अकाउंट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज। अगर किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम राइज कर रहा है ना, जो परसेंटेज वाइज अदर कंट्री का जिस तरीके से नेशनल इनकम राइज करता है, उसी तरीके से उससे ज्यादा अगर हमारा परसेंटेज वाइज अगर हमारा इंक्रीज जो है नेशनल इनकम का वो बहुत ज्यादा होने लगेगा, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड जो करंट अकाउंट है वो डिक्रीज होने लगेगा। कैसे होने लगेगा, अब आप सोचो, जब हमारी इनकम ज्यादा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, खर्चे ज्यादा करेंगे। खर्चे ज्यादा करेंगे तो हम सोचेंगे चलो भाई बाहर से सामान मंगवा लेते हैं। बाहर से जब हम सामान मंगवाएंगे तो हमारा इम्पोर्ट क्या है होगा, बढ़ जाएगा, और एक्सपोर्ट हमारा घट जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा करंट अकाउंट है वो एक तरीके से डिक्रीज होने लगेगा, विच इज ऑल्सो अ नॉट गुड साइन फॉर आर करेंट अकाउंट। अदर बींग्स इक्वल, एज द रियल इनकम लेवल, एज द रियल इनकम लेवल एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन राइजेज, सो डज कंजम्पशन ऑफ गुड्स, है ना। जिस तरीके से जो रियल इनकम लेवल है वो राइज कर रहा है, उसी तरीके से हमारा जो कंजम्पशन लेवल ऑफ गुड्स है वो भी एक तरीके से एडजस्ट करेगा, राइज करेगा। अ परसेंटेज ऑफ दैट इंक्रीज इन कंजम्पशन विल लाइकली मोस्ट रिफ्लेक्ट इन इंक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका जो परसेंटेज इंक्रीज है आपका कंजम्पशन का, वो एक तरीके से दिखाई देगा कि आप जो है फॉरेन जो गुड्स हैं उसकी डिमांड आप क्रिएट कर रहे हो। तो फॉरेन अगर हम गुड्स मंगवाएंगे तो हमारा इम्पोर्ट बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट घट जाएगा, कम रहेगा। तो उस केस में हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, और इस तरीके से इन्फ्लुएंस को हमारा नेशनल इनकम जो है एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। उसके बाद है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। Let's talk about it. If a country's government imposes a tax on imported goods, on referred to as tariff, है ना, imported goods के ऊपर जब tax लगता है तो उसको tariff बोलते हैं, है ना। तो कोई भी country जब की government जब भी tax impose करती है imported goods के ऊपर, the price of the foreign goods to consumers effectively increases, है ना। तो जो अगर सपोज बाहर से कोई सामान आ रहा है 20 रुपए का, और मैंने उसके ऊपर 20% tax लगा दिया, तो 24 रुपए, है ना, 20 रुपए का 20% 4 रुपए, तो 24 रुपए हो गया, और वही सामान हमारे इंडिया में 20 रुपए में मिल रहा है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ कि हम इस तरीके से टैक्सेस जो है लगा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिससे उसका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स रिलेटेड टू द गुड्स प्रोड्यूस एट होम विल डिस्करेज इम्पोर्ट्स एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द करंट अकाउंट बैलेंस। अब देखो ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, देखो बाहर से, जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर से कोई सामान मंगवा रहे हैं उसका दाम मैंने 20% बढ़ा दिया, तो 24 रुपए हो गया। अब इंडिया में वो सेम सामान जो है 20 रुपए में मिल रहा है, तो डेफिनेटली हम जो इंडिया का सामान है उसको खरीदेंगे, है ना। तो जब उसको खरीदने लगेंगे तो हमारी जो फॉरेन डिपेंडेंसी है, हम जब फॉरेन के ऊपर किसी चीज के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो हमें नहीं होना पड़ेगा, है ना। तो हमें जब डिपेंडेंट नहीं होंगे तो हम एक तरीके से वहां की जो जो हमारा इंपोर्ट है उसको हम इंक्रीज नहीं करेंगे। तो जब इंपोर्ट इंक्रीज नहीं होगा तो हमारा जो करंट बैलेंस है वो एक तरीके से इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा, है ना। तो ये अच्छा साइन होता है। इन एडिशन टू टैरिफ्स अ गवर्नमेंट मे रिड्यूस इट्स इंपोर्ट्स बाय इन्फोर्सिंग अ कोटा और मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंपोर्ट्स। अब टैरिफ बढ़ाने के अलावा, जब आपने दाम बढ़ा दिया, उसके अलावा भी गवर्नमेंट जो है अलग अलग मेजर्स लेती है ताकि वो जो है इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर सके, और वो होता है कोटा सिस्टम, जिसके तहत जो है आप ये बता देते हो कि बाहर से जो है सिर्फ 1 किलो ही सामान आएगा, 2 किलो ही सामान आएगा, इससे ज्यादा हम अपनी कंट्री में अलाउ नहीं करेंगे, बाकी जो सामान होंगे यहाँ के लोग अपने लेवल पर मैनेज कर लेंगे, हमारी कंट्री से खरीदेंगे, लेकिन बाहर से हम इतना कोटा ही हम बोल रहे हैं कि इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो कोटा एक सिस्टम हो गया, या तो आपने इंपोर्ट्स के ऊपर किसी तरह का लिमिट लगा दिया कि भाई इतना ही आएगा, वही कोटा सिस्टम ही है एक तरीके से। तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती है हमारे करंट अकाउंट को, और करंट अकाउंट इन्फ्लुएंस करता है हमारा नेशनल इनकम को, इकोनॉमी को, हमारा जीडीपी को, है ना। तो इस तरीके से ये भी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल
पॉइंट है, ये तीन पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है एक्सचेंज रेट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। एक्सचेंज रेट का बेसिक आइडिया मैं सबसे पहले आपको दो दिन, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। तो अभी के टाइम पे एक्सचेंज रेट एक रुपए में, एक डॉलर में आपको मिलता है 75 रुपए के आसपास। तो तकरीबन एक डॉलर में आपको 75 रुपए मिल रहा है, 100 डॉलर में आपको तकरीबन 7,500 रुपए मिलेंगे, है ना। लेकिन आने वाले समय में जो हमें एक रुपए में 75 रुपए अभी मिल रहा है, हो सकता है हमें एक डॉलर में बाद में, सॉरी एक रुपए में बोल गया, एक डॉलर में अभी हमें 75 रुपए मिल रहा है, हो सकता है 10 साल बाद एक रुपए में हमें 150 रुपए मिले, एक डॉलर में हमें 150 रुपए मिले, है ना। तो ये जो रेट है कि एक डॉलर के बदले इतना रुपया मिलेगा, एक डॉलर के बदले इतना दिरहम मिलेगा, एक डॉलर के बदले इतना पाउंड मिलेगा, तो ये जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट, कि किसके एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी आपको कितना ऑफर कर रही है, ये हमारा एक्सचेंज रेट कहलाता है। सो एक्सचेंज रेट डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। वो कैसे करता है मैं अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। चलिए फिर देखते हैं। ईच कंट्रीज करेंसी इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसीज थ्रू द यूज ऑफ एक्सचेंज रेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज रेट के हिसाब से एक कंट्री की करेंसी जो है दूसरे करेंसी के साथ वैल्यू की जाती है। सो दैट करेंसीज कैन बी एक्सचेंज्ड To facilitate international transactions, ताकि जो international transactions है वो ठीक तरीके से हो सके। नहीं तो आप ट्रांजेक्शन करेगो कैसे? इंडिया में रुपी चल रहा है, अमेरिका में कुछ और चल रहा है, आप कैसे इंडिया से सामान खरीदोगे अमेरिका से? आप तो नहीं खरीद पाओगे ना, आप रुपी दोगे वो लेगा नहीं, तो आपको पहले उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपी को। अब जब आप कन्वर्ट करोगे तो आप सोचोगे कि एक डॉलर के बदले में उसको कितना रुपया दूं, समझ रहे हो आप? तो ऐसे होता है। The value of the most of the currencies can fluctuate over time because of the market and government forces. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज अगर आपको 75 रुपए मिल रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको 150 रुपए मिले, तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से याद आया, अगर आपको इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो शेयर मार्केट में, चूंकि शेयर मार्केट अभी तो बहुत ऊपर है, लेकिन जब भी गिरावट आएगी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप हमारे चैनल के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री में अकाउंट मिलेगा, आपको कुछ भी वहां पे पेमेंट नहीं करना है। अकाउंट खोल लेने के बाद जो है आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, धीरे धीरे करके आपको शेयर्स को खरीदने हैं। कैसे खरीदने हैं, आप अगर इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप हमारा जो चैनल है उसके थ्रू जो हमारा टाई अप है एंजल वन के साथ, आप उनके साथ अकाउंट खोल सकते हो, जहां पे आपको 1 रुपए की भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपका अकाउंट खुल जाएगा, राइट? चलते हैं आगे। सो इफ अ कंट्रीज करंट अकाउंट बैलेंस डिक्रीजेज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब भी किसी कंट्री का करंट अकाउंट गिरता है तो बाकी सारी चीजें अगर समान होती हैं और बैलेंस अगर डिक्रीज होता है, गुड्स एक्सपोर्टेड बाय द कंट्री विल बिकम मोर एक्सपेंसिव टू द इंपोर्टिंग कंट्रीज, है ना। तो जो गुड्स इंपोर्ट कर रही है उनके लिए जो एक्सपोर्टेड गुड्स है वो ज्यादा महंगा हो जाएगा अगर आपके यहाँ पे करंट अकाउंट बैलेंस अगर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आप डिक्रीज करने का मतलब है कि आप पेमेंट ज्यादा कर रहे हो डॉलर में, तो आपकी करेंसी, आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। तो उस केस में आप जब अपना इंपोर्ट बाहर, जब आप एक्सपोर्ट करते हो, तो आपका एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा महंगा हो जाता है, और उस कारण से कोई आपका एक्सपोर्ट भी नहीं खरीदना चाहेगा, क्योंकि वो बोलेगा ना कि मेरे कंट्री में इतना मिल रहा है, दूसरी कंट्री मुझे इतने सस्ते में दे रही है, मैं आपसे क्यों लूं सामान। तो ये एक दिक्कत होती है। इफ इट्स करेंसी स्ट्रेंथेंस एज कॉन्सिक्वेंट द डिमांड फॉर सच गुड्स विल डिक्लाइन, अगर किसी कंट्री की करेंसी अगर स्ट्रांग होती है तो उसका जो डिमांड है उस गुड्स का वो एक तरीके से डिक्लाइन होने लगेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है, मैं एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो, बट इसको मैं और डिटेल में नहीं जा रहा, आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा और टॉपिक है, फिर ये टॉपिक जो है हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, जे कर्व थ्योरी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, इसके ऊपर मैं नहीं जाता हूँ। आप चाहो तो इसको भी रीड आउट कर सकते हो, ठीक है, बट दिस टॉपिक इज ऑल्सो नॉट सो इम्पोर्टेंट। वो चार पॉइंट आप याद रख लेना करंट अकाउंट के। अब मैं बताने वाला हूँ कैपिटल अकाउंट, कि किस तरीके से कैपिटल अकाउंट जो है हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज द करंट फ्लोज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्ट द कैपिटल अकाउंट एज वेल, तो जिस तरीके से करंट फ्लो होता है उसके कारण से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो कैपिटल अकाउंट को भी एक तरीके से अफेक्ट करती है। अ कंट्रीज गवर्नमेंट कुड फॉर एग्जाम्पल इम्पोज अ स्पेशल टैक्स ऑन इनकम अकाउंट बाई लोकल इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन फॉरेन मार्केट्स। अब यहाँ पे देखो, ये समझने वाली एक चीज है कि गवर्नमेंट ने क्या करा, कि उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या करा, एक स्पेशल टैक्स इंपोज कर दिया उन सारे इनकम्स पे जो इनकम आपको किसी और कंट्री से हो रहा है। आपने सपोज अपने पैसों का अमेरिका में किसी स्टॉक में लगा करके रखा है, वहां से जो आपको इनकम हो रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई स्पेशल टैक्स लगा दिया, है ना। तो इसके कारण से क्या होगा, जो हमारी कैपिटल होगी उसके ऊपर एक तरीके का असर पड़ेगा,
है ना, डेफिनेटली उसके ऊपर असर पड़ेगा। हम अगर बाहर के किसी भी चीज को, कैपिटल को अगर हम अपने पास रखते हैं, तो वो आपका जो कंट्री का कैपिटल अकाउंट होगा उसको वहां पे आपको शो करना होगा, वो वहां पे दिखाया जाता है, राइट। तो इस कारण से क्या होगा, जो टैक्स होगा, अगर आप टैक्स लगा दोगे तो आपका कैपिटल अकाउंट में जो है ज्यादा पैसे नहीं होंगे, क्योंकि लोग वहां पे इन्वेस्ट अब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको टैक्स देना पड़ेगा। अभी जैसे मैं हाल में एक एग्जांपल बताता हूँ कि बिटकॉइन, आपने नाम सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी का आपने नाम सुना होगा, जहां पे गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 30% का टैक्स लगा दिया है, चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, ट्रांसफर हो, किसी भी केस में आपको 30% का टैक्स अब आपको पे करना है। तो यहाँ पे लोग क्या होंगे, डिस्करेज होंगे कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करूं भाई, यहाँ पे तो मुझे 30%, 100 रुपए मैं कमाऊंगा तो उसमें से 30 रुपए मुझे सरकार को देने पड़ जाएंगे, तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा गिरेगा, है ना। तो कैपिटल अकाउंट एक तरीके से इसके ऊपर जो है इन्फ्लुएंस आता है जब आप उसके ऊपर किसी तरह का टैक्स लगा देते हो तो, ठीक है। चलो देखते हैं उसके बाद की लाइन है। सो अ टैक्स वुड डिस्करेज पीपल फ्रॉम सेंडिंग देयर फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन मार्केट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह का टैक्स लोगों को डिस्करेज करेगा कि वो अपने पैसों को किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जो कि किसी फॉरेन मार्केट में है ना। तो ये एक दिक्कत होगी। कुड देयर फॉर इंक्रीज द कंट्रीज कैपिटल अकाउंट। अब इस कारण से क्या होगा, हमारे जो कंट्री का कैपिटल अकाउंट है वो इंक्रीज होता जाएगा। कैपिटल फ्लोज आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई कैपिटल कंट्रोल्स ऑफ वेरियस टाइप्स, है ना। तो जो कैपिटल फ्लो है उसको ये भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है डिफरेंट कैपिटल कंट्रोल्स के द्वारा। इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो अफेक्ट द कैपिटल फ्लो। अब जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी एक तरीके से कैपिटल फ्लो हमारा अफेक्ट करता है। हाइक इन द इंटरेस्ट रेट रिलेटेड टू द अदर कंट्रीज मे अफेक्ट कैपिटल इनफ्लोज फ्रॉम द अब्रॉड। अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट आपके कैपिटल अकाउंट पे मिल रहा है तो बहुत सारी कंपनीज क्या करेंगी, कंट्रीज क्या करेंगी, अपने पैसे आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगी, है ना। तो जब इंटरेस्ट यहाँ पे होगा तो उनको अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो इसके कारण से हमारा जो इकोनॉमिक, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ेगा, है ना। देखो यहाँ पे इसको मैं फिर से बता देता हूँ, अ हाइक इन द इंटरेस्ट रेट रिलेटेड टू द अदर कंट्रीज मे अफेक्ट कैपिटल इनफ्लोज फ्रॉम अब्रॉड, है ना। बाहर से जो इनफ्लो हो रहा है उसके ऊपर एक तरीके से वो असर पहुंचाएगा। सिमिलरली अ रिडक्शन इन द डोमेस्टिक रेट्स मे इंड्यूस पीपल टू इन्वेस्ट अब्रॉड। अब यहाँ पे अगर हमने डोमेस्टिक रेट्स अगर घटा दिए, डोमेस्टिकली हम लोगों ने अगर इंटरेस्ट रेट्स घटा दिए, तो हमारे लोग भी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनको पता है कि हम अगर बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो हम बाहर कर लेते हैं, तो हमारा कैपिटल बाहर चला जाएगा इंडिया के। आप समझ रहे हो किस तरीके से ये सारी चीजें जो है हमारे पूरी की पूरी इकोनॉमी को डिसरप्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। चलो अगला देख लेते हैं। द एंटीसिपेटेड एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स बाय इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटीज कैन अफेक्ट द कैपिटल अकाउंट, है ना। तो जो एंटीसिपेटेड एक्सचेंज रेट होता है वो भी एक तरीके से इन्वेस्टर को, एंटीसिपेटेड मतलब क्या कि ये होने वाला है, हुआ नहीं है पर होने वाला है, तो ये जो एक्सचेंज रेट एक तरीके से मूवमेंट्स होते हैं इसके कारण भी जो इन्वेस्टर जो है एक तरीके से कैपिटल अकाउंट को इन्फ्लुएंस करते हैं इस चीज के कारण। इफ अ होम करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथ, फॉरेन इन्वेस्टर्स मे बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन द कंट्रीज सिक्योरिटीज टू बेनिफिट फ्रॉम द करेंसी मूवमेंट, है ना। तो करेंसी मूवमेंट के कारण बहुत सारी फॉरेन कंपनीज को लॉस हो जाता है या थोड़ा सा उनको लॉस झेलना पड़ता है, तो उस केस में वो देखते हैं कि जब भी किसी कंट्री की इकोनॉमी जब स्ट्रांग हो रही होती है, वहां का जब करेंसी स्ट्रांग हो रहा होता है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना, ताकि उनकी सिक्योरिटीज को जो नुकसान हो रहा है करेंसी मूवमेंट्स के कारण वो ना हो, राइट। कन्वर्सली अ कैपिटल कंट्रीज कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, एक कंट्री का जो कैपिटल अकाउंट है वो डिक्रीज करेगा, कब, इफ इट्स होम करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू वीकन, है ना। जब किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है जब वो वीक होने लगती है, करेंसी जब वीक होने लगती है, तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि वहां से लोग अपने पैसे निकाल करके ऐसे जगह लगाना चाहते हैं जहां पे उनको रिटर्न अच्छा मिले, राइट। तो ये एक चीज होती है, द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। यहाँ पे लेकिन एक कंडीशन है कि बाकी सारी चीजें जो है वो इक्वल है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन अटेम्प्टिंग टू असेस व्हाई अ कंट्रीज कैपिटल अकाउंट चेंज्ड एंड हाउ इट विल चेंज इन फ्यूचर, है ना। आप ये असेस करने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी जो कंट्री का कैपिटल है वो समय में एक के साथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इन फ्यूचर बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो उस केस में आपको ऑल फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड साइमल्टेनियसली। आपको हर एक फैक्टर्स को अच्छे तरीके से चेक करना होगा। अ पर्टिकुलर कंट्री मे एक्सपीरियंस अ रिडक्शन इन कैपिटल। हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री अपने कैपिटल में किसी तरह का रिडक्शन वो एक्सपीरियंस करे। अकाउंट इवन वेट इट्स इंटरेस्ट रेट्स आर अट्रैक्टिव, इवन कि वहां पे इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पे लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, है ना। जैसे कि आप अमेरिका इसका श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लो, श्रीलंका में एक तरीके से भी बहुत खराब सिचुएशन है, वो लोग ना लोन लेना चाह रहे हैं बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे,
मतलब वो सपोज इंडिया से ले रहे हैं और वो इस उस इंटरेस्ट पे ले रहे हैं जिस इंटरेस्ट पे कभी किसी ने लोन नहीं लिया, बहुत ही महंगा वो हमें इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन फिर भी हम एज ए कंट्री उनकी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनकी कंट्री अभी बहुत ही हालात दौर से बुरे हालात से गुजर रही है। अगर हम लोगों ने उनको लोन दिया और वो अगर वापस हमें लोन नहीं चुका पाए तो इंटरेस्ट तो नहीं है मिला, साथ ही साथ जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी एक तरीके से चला जाएगा। इसीलिए समटाइम्स ऐसा होता है कि हाइएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलने के कारण भी कंपनीज जो है, कंट्रीज जो है, वो दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करती हैं। यही बात यहाँ पे बोली गई है, इफ द होम कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू डिप्रिशिएट, है ना, जब हमारी कंट्री में डिप्रिशिएशन हो रहा है तो फिर हम बाहर क्यों इन्वेस्ट करें। तो ये एक इश्यूज हो जाती है जिसके कारण से जो हमारा इकोनॉमी है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा जहां पे मैंने आपको फैक्टर्स करवाए हैं जो कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज भैया लाइक कमेंट और शेयर कर दो, लोगों के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, उनकी भी पढ़ाई ठीक तरीके से हो सके और आपकी भी ठीक तरीके से हो सके। मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा एग्जामिनेशन के लिए, अच्छे से पढ़ाई करो, शेयर करो, प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत सारी वीडियोस हैं वॉच करो, एग्जामिनेशन आपका बहुत ही बिंदास जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ बताता चलूं, आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी वहां पे कंटेंट्स मिल जाएंगे रिटेन, जिसको आप देख करके पढ़ पाओगे और आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को ठीक तरीके से कर पाओगे, ठीक है। उस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।